महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtatel.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेर, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेर। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सत्कार है। सनातन सत्य दृष्टि विज्ञान इस कार्यक्रम के तहत हम आपको अल्टीमेट ट्रुथ देना चाहते हैं, हम आपको अंतिम सत्य रियलिटी बताना चाहते हैं, ताकि कि आपका जीवन अच्छा बने, आपको राजपथ मिले, आपको सम्यक दर्शन मिले, आपको एक अच्छा विजन मिले, आपको पॉजिटिव थिंकिंग मिले। ये सारा कार्यक्रम कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत संचालित होता है। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे एपिसोड के माध्यम से आज का ज्ञानवर्धन करना चाहते हैं, और वो आज का हमारा एपिसोड है योग द्वारा स्वास्थ्य। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है, दो शब्द है, एक तो योग और स्वास्थ्य। इन दोनों शब्दों की अपन सांगोपांग व्याख्या करेंगे, और व्याख्या करने के बाद के अंदर ये जानेंगे कि योग के द्वारा हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की चर्चा करता हूँ। स्वास्थ्य का संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस अवस्थ, यानी स्वयं में अपने आप में अवस्थित होना। वो अपने आप क्या है? हमारा जो मूल अस्तित्व वो चेतना का अस्तित्व है, और उस चेतना के अंदर जो है अवस्थित होना ही स्वास्थ्य कहलाता है, और हमारी आत्मा ही अल्टीमेट ट्रुथ है, वही सनातन सत्य है, वही दृष्टि विज्ञान है। और आत्मा और जड़ दोनों के मिश्रण से ये जो शरीर बना है, वो सब का संचालन जो है वो कुदरत कुदरती रचना कुदरत के कानून के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए ये स्वास्थ्य की एक परिभाषा हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संपूर्ण स्वास्थ्य को, होलिस्टिक हेल्थ को, पांच भागों में बांटा है, जिसके पांच पांचों तरह के स्वास्थ्य है वो होलिस्टिक हेल्दी व्यक्ति है। पहला जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, और तीसरा भावनात्मक स्वास्थ्य, इमोशनल हेल्थ, चौथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, पांचवा जो है वो सामाजिक स्वास्थ्य, जो इसकी निष्पत्ति है चारों की, वह है सोशल हेल्थ। इन पांचों के बारे में जो है पूरा पूरा पांचों का वर्णन करता है, पांचों को स्वास्थ्य को रखता है, वही पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है। अब देखिए, थोड़ा थोड़ा हम इन पांचों तरह के स्वास्थ्य की व्याख्या करें, तो हमारा फिजिकल हेल्थ का अर्थ होता है कि ये हमारा जो शरीर है, इस शरीर में छोटे छोटी कोशिका है, कोशिका के बाद टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ के बाद ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के बाद में सिस्टम है, सिस्टम में जैसे हमारा श्वसन तंत्र है, ब्लड सर्कुलेशन है, उत्सर्जन तंत्र है, और हमारे मसल्स वगैरह हैं, नाड़ी तंत्र है, ये सारे सिस्टम जो है सुव्यवस्थित चलने को हम फिजिकल हेल्थ कहते हैं। और फिजिकल हेल्थ की प्राप्ति से अगर योग के संदर्भ में बात करें, तो फिजिकल हेल्थ की अगर प्राप्ति करनी है तो आप इस शरीर के मसल्स को जो है लचकदार रखिए, इनको फ्लेक्सिबल रखिए, और सारा जो शरीर का जो कार्य करता है, फिजिकल हेल्थ होती है वो मसल्स के द्वारा होती है। और अगर मसल्स स्टिप हो जाते हैं तो हमारी नेगेटिव थिंकिंग भी आ जाती है, और कोई भी कार्य करने के अंदर हमको थोड़ा क्रोध टाइप और इरिटेशन होता है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है। इसलिए मसल्स को नरम करने के लिए हमें जो है फिजिकल परिश्रम करना चाहिए, और हमें जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, आसन करने चाहिए, और मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, और इसके बाद के अंदर हमारे
जो प्राकृतिक नियम है उसका पालन करना चाहिए कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज ए साइन ऑफ हेल्थ। ए साउंड बॉडी एग्जिस्ट इन ए साउंड माइंड। प्राकृतिक नियमों का पालन करना भी एक तरह से स्वस्थ रहने के बराबर होता है। तो इस तरीके से फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये हम योग का सहारा लेते हैं। अब हम मेंटल हेल्थ पे आते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब मन से जुड़ा हुआ। तो हमारे मानसिक शांति का रहना मेंटल जो है वो हमारी पीस कहिए या मेंटल हेल्थ रहता है। और हमारे विचारों के अंदर जब ऊहापोह होती है, विचार जो है विक्षिप्त हो जाते हैं, विचार इधर उधर भटकते रहते हैं, हम एक किसी विषय पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं, तो हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन हो जाता है और हम कोई भी कार्य व्यवस्थित रूप से नहीं करते हैं, भूल पड़ने लग जाती है और उसके साथ साथ में प्लान्ड वे के अंदर कार्य होना होता है वह नहीं हो पाता है। इसीलिए सबसे बड़ा सुख है वो मानसिक शांति है और वो मेंटल पीस है, वो मानसिक स्वास्थ्य है। मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए अगर हम योग की बात करें तो योग के अंदर जो है वो मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राण का आयाम करना। हमारी जो विटालिटी है वो हमारा जो प्राण है उसको नियंत्रित करना, उसको कंट्रोल में रखना, उसको संतुलित करना, वो सारा प्राणायाम से होता है। और प्राणायाम के माध्यम से हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, श्वास प्रेक्षा कर सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं, रेचक कर सकते हैं, कपाल भाति कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं। प्राण के और भी बहुत तरीके के प्रयोग है, वो हमें जो है प्राणायाम के द्वारा किए जाने पर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। और तीसरा जो स्वास्थ्य है वो हमारा इमोशनल हेल्थ, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये व्यक्ति के व्यवहार से, व्यक्ति के स्वभाव से जुड़ा हुआ होता है। और जिसके इमोशन शांत है, जो इमोशनली हेल्दी व्यक्ति है, वह एक परफेक्ट व्यक्ति होता है। क्योंकि इमोशंस हमें जो है वो नेगेटिव थॉट्स की ओर ले जाते हैं, इमोशंस हमें इरिटेट करते हैं, इमोशन से हमारे रिलेशन खराब होते हैं, इसलिए इमोशन से हमारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। वो कौन कौन से मुख्य इमोशंस की बात करें तो वो हमारा क्रोध, अहंकार, माया और लोभ, ये चार नेगेटिव इमोशंस हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति ने कुल सारे नेगेटिव इमोशंस को 18 भागों के अंदर बांटा है। वो कौन कौन से हैं? प्रणतिपाप, मरसावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अर्ति, माया मरसा और मिथ्या दर्शन, शल्यपाप। ये 18 तरह के जो इमोशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, ये नेगेटिव थॉट्स कंट्रोल के अंदर रहे तो उसको कंट्रोल में रखने के लिए पुनः हमारा जो श्वास है हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है। यानी हम जो श्वास लेते हैं, एक्सहेल करते हैं और इनहेल करते हैं, वो हमारा श्वास का एक स्ट्रोक आया। और आप अगर भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं और बिल्कुल आप मस्त अवस्था के अंदर हैं तो आप घड़ी लेकर के बैठ जाइए, आप एक मिनट के अंदर 16 सांस लेते हैं और सांस लेने के अंदर पेट आपका फूलना चाहिए और सांस को निकालते समय जो है पेट सिकुड़ना चाहिए, क्रिया होनी चाहिए। अब अगर हमें इमोशनल हेल्थ को प्राप्त करना है तो थोड़ा सा पुरुषार्थ और अभ्यास करना पड़ेगा कि हमारा जो श्वास है 10% 20% प्रैक्टिस के द्वारा लंबा करना पड़ेगा। लंबा श्वास से श्वास की पर मिनट संख्या घट जाती है, 16 से घट करके 14 हो जाती है, 12 हो जाती है, 10 हो जाती है। तो ये जब संख्या 10 और 8 पे आ जाती है तो वह व्यक्ति इमोशनली हेल्दी हो जाता है। वह व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, अहंकार नहीं कर सकता, छल कपट नहीं कर सकता और लोभ लालच की स्थिति उसके अंदर नहीं आ सकती है। क्योंकि ये जो प्राणायाम है, ये श्वास है, वो इमोशनल हेल्थ को कंट्रोल करता है। ये सबसे बड़ा रामबाण है। और सांसा जब तक आशा, सांस हमारी जब तक चलती है
हमको जीवन की आशा रहती है, और जब श्वास चलना बंद हो जाता है तो डॉक्टर भी कह देता है नाउ ही इज़ डेड, और डेड होने के बाद में इस मुर्दे को जला दिया जाता है। तो इसीलिए श्वास को लंबा करना, श्वास को गहरा लेना, ये हम प्रैक्टिस करें। अगर हम प्रतिदिन प्रैक्टिस करें, थोड़ा थोड़ा श्वास को लंबा करें, तो स्वतः ही महीने भर के अंदर जो है हमारी श्वास की लंबाई बढ़ जाती है, और ये प्रति मिनट श्वास की संख्या घट जाती है, और हम इमोशनली साउंड हो जाते हैं, हमें कभी क्रोध नहीं आता, स्ट्रेस स्ट्रेन इरिटेशन नहीं होती है। तो ये योग से जुड़ा हुआ है, श्वास परीक्षा करना और श्वास को नियंत्रण करना, ये सारा योग है। तो अब हमने जो है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ, अब हम स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करते हैं। स्पिरिचुअल हेल्थ का अर्थ होता है कि ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के अंदर श्रद्धा करना और ईश्वर को अपने जीवन का आधार बनाना, और ईश्वर जो है सब गुणों का पुंज है, तो अपने जीवन के अंदर बुराई व्यसन को मिटा करके और अच्छाइयों का समावेश करना जो है, ये सारा स्पिरिचुअल हेल्थ है। स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी आचार संहिता से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी एथिक्स से जुड़ा हुआ है, और स्पिरिचुअल हेल्थ वाला व्यक्ति बड़ी आनंद की स्थिति में होता है। स्पिरिचुअल हेल्थ की जो निष्पत्ति है वो आनंद की स्पत्ति होती है। स्पिरिचुअल हेल्थ करने के लिए अगर हम योग का सहारा लेते हैं, तो योग के अंदर धारणा, ध्यान और समाधि, ये जो है, धारणा का मतलब होता है अच्छे संस्कारों को धारण करना, और ध्यान का मतलब होता है एक पर्टिकुलर आलंबन को, चाहे आपका जो ईष्ट है उसका आलंबन लिया, और चाहे गुरु का आलंबन लिया, किसी भी वस्तु का आलंबन लेकर के, और सारे विचारों को उस जगह जो है कंसंट्रेट करना। और एक बड़ी जो है बात मेडिटेशन में ध्यान रखने की है कि जब हम मेडिटेशन की सलाह लोगों को देते हैं, तो लोग कहते हैं जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमारे जो विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, विचारों का तांता जो है वो थमता ही नहीं है, हम इधर उधर घूम करके डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उन्हें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप विचारों को पकड़ो मत, उन विचारों को ढीला छोड़ दो, उनको पूरी छोड़ दे दो, उनको कह दो तुम्हारी इच्छा हो जहाँ जाओ, जहाँ घूमो, मैं तुम्हें जो है पकड़ूंगा नहीं। कैसे नहीं पकड़ूंगा, मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसके हाथ में एक महंगी क्रॉकरी है, तो उस बच्चा क्या उस क्रॉकरी के अंदर पकौड़े खा रहा है, तो आप उसको जो है बार बार कोस रहे हो कि वो दूसरी जो स्टील की प्लेट दे दे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता है। वो बच्चा जो और ज़्यादा जिद पकड़ता है और वह छोड़ता नहीं। ज्यों ज्यों आप करोगे, जो बच्चा जिद पकड़ेगा। तो ये हमारा मन है, हमारे विचार है, बच्चे की तरह है, बंदर की तरह है। तो जो आप उस स्थिति में इसको छोड़ दीजिए। आपने कभी पतंग चलाई है तो पतंग उड़ती जाती है, उसके पीछे जो डोर होती है वो मंजे से बनी हुई होती है, तो आप तो उस पतंग को ढीला छोड़ दो, पतंग जाती रहेगी जाती रहेगी। और जो ही आपने पतंग खींचा, यानी जो आपके आने वाले विचारों पर अंकुश लगाया कि ये क्यों आ रहा है, ये गलत विचार क्यों आया, उसको दबाने की कोशिश करोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे, तो ठीक उसी तरह से जैसे कि हम पतंग उड़ाते हैं और मंजे को आपने खींच लिया तो हाथ कटने का डर है, क्योंकि वो कांच का बना हुआ होता है, हाथ भी कट सकता, खून भी कट सकता। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो लोग मेडिटेशन करना, मैं पिछले लगभग 40 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, और मेडिटेशन के जो सैकड़ों सैकड़ों प्रयोग जो हमारे जो जनता को सत्संग में हम कराते हैं, अनुयायियों को सत्संग में कराते हैं, तो मैं उन्हें एक ही बात बताता हूँ कि आप इनको ढीला छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो विचार इधर उधर नहीं भटक करके आपके खूंटे बन जाएंगे। खूंटे बनने का अर्थ ये है कि फिर वो विचार आपके भटकेंगे नहीं। तो ये धारणा, ध्यान, समाधि जो है वो योग का जो अंग है, वो हम हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए काम कर सकते हैं। और अब आगे आता है जो इन सब चारों तरह के हेल्थ की जो निष्पत्ति है वो सोशल हेल्थ है। यानी अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं और
और मेंटली हेल्दी है, इमोशनली हेल्दी है, स्पिरिचुअली हेल्दी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वह एक समाज का अनुकरणीय, वंदनीय, स्तुत्य व्यक्ति बन जाएगा। वह सोशल हेल्थ अच्छी तरह से मेंटेन करेगा, क्योंकि वह जहाँ पर भी खड़ा रहेगा वो समाज के विकास की बात करेगा, समाज के हित की बात करेगा, और सब लोगों के जो है वो वह सबका प्रिय बनेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का राग द्वेष नियंत्रण में हो जाता है। वह जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करेगा, और वह वसुधैव कुटुंबकम की बात करेगा, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करेगा, क्योंकि उसके राग द्वेष नियंत्रण में हो जाते हैं। राग द्वेष जब नियंत्रित हो जाता है तो व्यक्ति धीरे धीरे स्थित प्रज्ञ और प्रज्ञा चक्षु बन जाता है। तो इस चारों तरह की हेल्थ वाला व्यक्ति जो है समाज के अंदर हरेक से अच्छा मेंटेन करेगा, और कोई भी उस व्यक्ति से किस तरह सलाह मांगेगा तो वो अच्छी सलाह देगा, समाज को अच्छे अच्छे प्रवचन देगा, समाज को अच्छे अच्छे आइडिया देगा, समाज को अच्छे अच्छे विचार देगा, और उससे समाज का विकास होगा, समाज जुड़ा हुआ रहेगा। और जब व्यक्ति और समाज जुड़े हुए रहते हैं तो निश्चित तौर से देश अच्छा होता है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम देश को सुधारना है, विश्व को सुधारना चाहते हैं, तो आप व्यक्ति को सुधारिए। व्यक्ति के सुधारने से परिवार अच्छे बनते हैं, समाज अच्छा बनता है, देश अच्छा बनता है, विश्व बनता है, अच्छा बनता है, क्योंकि विश्व की सबसे छोटी से छोटी इकाई है वह मनुष्य है। तो मनुष्य को मैं सुधारना है, मनुष्य को मैं अच्छा बनाना है, मनुष्य को मैं रोल मॉडल बनाना है, और वह रोल मॉडल कब बनेगा जो पाँचों तरह के उसके स्वास्थ्य रहेंगे। तो ये हमने स्वास्थ्य की बात की, इसमें योग का भी जो है उपयोग किया। अब हम प्योरली योग की बात करते हैं, तो योग का अर्थ होता है प्लस जोड़ना। किसको जोड़ना? माइंड बॉडी एंड सोल को जोड़ना, हमारा मन, हमारा तन और हमारी आत्मा, तीनों को जोड़ने का मतलब तीनों सिंक्रनाइज रहे, तीनों एक लाइन के अंदर चले। आत्मा जो है वो मन को संचालित करे और मन है तन को संचालित करे। उल्टा नहीं होना चाहिए कि तन है जो मन को संचालित करे और मन है आत्मा को संचालित करे। तो इसीलिए ये जब सब एक लाइन में रहेंगे, सम अवस्था में रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसका योग हो जाता है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, योग के लिए कहा गया है कि चित्त वृत्ति निरोधो योग। जो हमारी चित्त वृत्तियां हैं, मुख्य हमारा जो चिंतन करने वाला वह चित्त है, और चित्त है वो चेतना की शक्ति है। उस चित्त का जो नियंत्रण होना चाहिए, चित्त विक्षिप्त होता है जब मन विक्षिप्त होता है, और चित्त हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। इस स्थूल शरीर पे काम करने वाली चेतना उसको चित्त कहते हैं, और आत्मा को अनंत चित्तों वाला कहते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वह एनर्जी का पावर हाउस है, वो अनंत जो है वह एनर्जी वाला है। तो एक एक कोशिका को जो है वह एनर्जी देता है, और कोशिका अपने आप में एक उस एनर्जी को पा करके पावर हाउस बन जाता हर कोशिका। मनुष्य के अंदर 60 खरब कोशिकाएं हैं, तो 60 खरब पावर हाउस अपने आप के अंदर है। तो भाई और बहनों, चित्त को विक्षिप्त नहीं होने देना है, चित्त को स्थिर रखना है। यानी जो हम चिंतन करें, जो हम क्रियान्विति करा रहे हैं, हम जो है चिंतन मनन और निध्यासन करें, उसके अंदर चित्त स्थिर रहना चाहिए। स्थिर चित्त से कोई भी कार्य किया जाता है, कोई भी लक्ष्य बनाया जाता है, तो उस लक्ष्य में प्राप्ति कर सकते हैं। और विक्षिप्त चित्त होता है वो धीरे धीरे पागल हो जाता है। जो सब पागल लोग हैं वो विक्षिप्त कहलाते हैं, विक्षिप्त चित्त वाले होते हैं। इसीलिए हमें चित्त को विक्षिप्त नहीं करना, यानी चित्त को हमें खंड खंड नहीं करना चाहिए, चित्त टूटना नहीं चाहिए, कभी इधर गया कभी इधर गया कभी इधर गया, एक जगह वो टिके ही नहीं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो हमारा जो है वो चित्त विक्षिप्त हो जाता है। इसलिए चित्त की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। चित्त की शुद्धि होती है भाव शुद्धि से होती है। तो इस तरीके से जो है हमारा मन और जो है हमारा तन और हमारा जो है वो आत्मा को जोड़ना जो है योग कहलाता है।
योग भारत की कृति है। योग को जो है हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों हजारों साल पहले योग का संदेश दिया, योग को जिया, योग की फिलॉसफी को बताया और उससे हमारे धार्मिक ग्रंथ बने और उसके साथ साथ में योग का जीवन जी करके जो पहले जो है चार आश्रमों की व्यवस्था थी कि 100 वर्ष की उम्र हुआ करती थी व्यक्ति की तो 25 वर्ष की उम्र ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, 50 वर्ष की उम्र तक का गृहस्थ आश्रम होता था, 75 वर्ष की उम्र जो 50 से 51 से 75 जो है वो वानप्रस्थ जीवन होता था और 76 से 100 तक की जो है संन्यास आश्रम हुआ करता था। तो उस स्थिति के अंदर वो हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो नदी के किनारे अपना आश्रम प्रकृति की गोद में आश्रम बना करके योग का जीवन जीते थे और वो तपस्वी होते थे, वो ऋषि महर्षि होते थे और योग का जीवन जी करके वो अंतिम जो मनुष्य की जो कहना चाहिए कि वो लक्ष्य है वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हमारी भारतीय स्टाइल है, लिविंग स्टाइल है, वो हमारी लाइफ स्टाइल है, वो जो पुरुषार्थ चतुष्टय है जो हमने भारतीय संस्कृति जो कुछ पाया है, चार तरह के पुरुषार्थ व्यक्ति को जीवन में करने होते हैं, काम है, अर्थ है, धर्म है और मोक्ष है। काम और अर्थ सांसारिक आवश्यकताओं से जुड़े हुए होते हैं और मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष यानी मुक्ति होती है। उसके बीच के अंदर धर्म एक ब्रिज होता है, इस ब्रिज के माध्यम से व्यक्ति अर्थ और काम को भोगता हुआ भी अगर धर्म की शरण में जाता है तो धर्म ऑटोमेटिकली उसको मुक्ति की ओर ले जाता है। ये धर्म या योग है वो धर्म है। योग जो है एक होलिस्टिक है, योग के माध्यम से हम हर तरह का स्वास्थ्य जैसा हमने देखा वो प्राप्त कर सकते हैं और योग के माध्यम से अपने जीवन को जो है हम अच्छा बना सकते हैं। मैं एक योग का रोल मॉडल लेता हूँ उससे हमको स्पष्ट हो जाएगा। पतंजलि योग का जो एक रोल मॉडल है अष्टांग योग है, उसके अंदर 8 अंग है, वो है आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और यम और नियम। यम और नियम हमारे आचार संहिता है, यम नियम के पालन के बिना व्यक्ति योग की आगे जो है वो उन्नति नहीं कर सकता है। यम 5 तरह के होते हैं, अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, और नियम भी 5 तरह के होते हैं, वो होता है सोच है, संतोष है, त्याग है, अहिंसा है और ईश्वर प्राणिधान है। तो इन सब का मतलब ये है कि अनुशासन में रहना, जो योग सूत्र है वो एक अनुशासन का सूत्र है। पतंजलि ने स्वयं कहा है कि योगानुप्रकरण अथ अनुशासनम, ये एक अनुशासन से जुड़ा हुआ जो हमारा योग का जीवन है इसमें सारा जीवन अनुशासित होना चाहिए और ये अनुशासन है वो यम और नियम से प्रारंभ हो जाता है। यम नियम की जो है हम जो है कहना चाहिए कि जो है सीढ़ियों से चढ़ करके आसन जो है जैसा मैंने बताया शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्राणायाम है हमारा मानसिक स्वास्थ्य के लिए, तो इसीलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और प्रत्याहार जो है मानसिक शांति के लिए, धारणा ध्यान समाधि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और उसके बाद में मुक्ति को प्राप्त करने के लिए समाधि की अवस्था होती है। हर धार्मिक ग्रंथ ने, हर धर्म दर्शन ने समाधि को अल्टीमेट स्टेज बोला है। समाधि की अवस्था के अंदर व्यक्ति जो है वो निरालंबन ध्यान की स्थिति में चला जाता है, केवल एक अनुभव की स्थिति में आ जाता है। किसका अनुभव? स्वयं का अनुभव, सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण है। केवल वो एक ज्योत के रूप में, जैसे दिए की ज्योत होती है वो ज्योत के रूप के अंदर वो अनुभव के अंदर समा जाती है, वो समाधि की अवस्था होती है, उसके अंदर ध्यान का आलंबन भी समा जाता है यानी ज्योत ज्योत में मिल जाती है। ये हमारा जो जीव है ये ब्रह्म में मिल जाता है और जीव से राग द्वेष जो है दूर होकर के समाधि की अवस्था में व्यक्ति को केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है और व्यक्ति जो है इसको प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकता है। तो इस रोल मॉडल के जरिए हम कह सकते हैं
कि योग एक ऐसा विषय है जो कि प्राइमरी क्लास से लगा करके पीएचडी और जो है पोस्ट डॉक्टरल तक इसके अंदर पूर्ण योग्यता बनी हुई है। और योग के अंदर सबसे बड़ी बात है कि एलोपैथी के अंदर तो क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट होता है, योग के अंदर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और योग के अंदर बिल्कुल कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। योग में तो अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा सनातन कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। सनातन जो है वो सनातन सत्य के कार्यक्रम में आपको अल्टीमेट ट्रुथ मिलेगा, आपको सार्वभौम सत्य मिलेगा। और सार्वभौम सत्य की प्राप्ति करते स्नेह जो है आप शाश्वत सुख की ओर जाएंगे, ब्लिस की ओर जाएंगे। और वही आपके मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यानी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर सनातन सत्य, कुदरत का कानून, कुदरती रचना और जो है कुदरत बहुत बड़ा सहयोग करती है। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtatel.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।